बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम पे आया हूँ और यहाँ पर आज 23 जून 2018 का दिन है और यहाँ पर जो अपने गवर्नर सिंध ने फेडरल प्रोजेक्ट जो अनाउंस किए थे वो उसमें अगस्त 2017 में, और उसमें कुछ प्रोजेक्ट जो थे वो फ्लाईओवर और अंडर पासिस के भी थे, और एक अंडर पास यहाँ पर भी बनना था नेशनल स्टेडियम पे। और आज अब जून 23 है, लेकिन ये कि यहाँ पर अभी तक कोई इसके अंदर कोई पेशरफ्त नहीं है। सिर्फ ये प्रोजेक्ट लगता है कि पेपर प्रोजेक्ट ही है और सिर्फ दिखाने के लिए ये बनाया रखा हुआ है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाने हैं, लेकिन ये कि ये अंडर पास अभी तक ये बना नहीं है। और ये फेडरल गवर्नमेंट भी कराची को एक वक्तन फवक्तन ये पेपर प्रोजेक्ट देती रहती है, अनाउंस करती रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है। तो मैं सिविल सोसाइटी से और सबसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो पेपर प्रोजेक्ट का सिस्टम जो बनाया हुआ है कराची के लिए, उसको ख़त्म करना चाहिए और कराची को जो फ्यूल की मद में कराची तकरीबन 400 बिलियन रुपये का फ्यूल लॉस होता है ट्रैफिक जाम की वजह से। और लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी कराची के सिर्फ पेपर भी रहते हैं और इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिविल सोसाइटी से कि लोगों को ये फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें और उनको जो प्रोजेक्ट ये अनाउंस करें उसके ऊपर अमल दरामद करने का फोर्स करें। सिविल सोसाइटी से मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। शुक्रिया। सलाम।